गदर 2 एंड ओ माय गॉड 2 ये दोनों मूवी में से आप कौन सा मूवी देखना ज्यादा पसंद करोगे, तो उसी का एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को मूवी चूज करने में आसानी हो। तो देखो दोनों ही मूवी 11 अगस्त को थिएटरों में रिलीज हुआ है। उसी दिन और एक मूवी भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है जेलर, जिसका रिव्यू आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो पहले बात करते हैं गदर 2 के बारे में। गदर 2 गदर 1 का ही दूसरा पार्ट है, यानी कि जहां से गदर 1 की कहानी खत्म हुई थी ठीक वही से गदर 2 की कहानी शुरू होता है। तो देखो गदर 1 फिल्म इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारे की स्टोरी के ऊपर बेस करके बनाया गया था, और गदर 2 की कहानी इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारे के बाद की स्टोरी को दिखाया गया है। तो देखो एकदम सीधा सीधा बात करूंगा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा कि गदर 2 मूवी का शुरुआत आपको अच्छा लगेगा, पर जब धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ेगा तब मूवी में आप लोगों को चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई देगा। कहां से कहां स्टोरी घूम जाएगा आप सोच में पड़ जाओगे, जिसका कोई मतलब भी आप ढूंढ नहीं पाओगे। और रही बात सनी देओल की, तो सनी देओल ने इस मूवी में क्या तोड़फोड़ की है भाई, यानी कि 100 हाथियों की ताकत आ जाती है हमारे सनी पाजी पर। नो डाउट इंडिया का नेक्स्ट सुपर हीरो बन सकता है हमारा सनी पाजी। आप बात करते हैं ओ माय गॉड 2 के बारे में। तो देखो ओ माय गॉड 1 मूवी में जैसा भगवान होता है कि नहीं होता है इसके ऊपर सवाल किया गया था, उसी तरह ओ माय गॉड 2 मूवी में सेक्स एडुकेशन के ऊपर सवाल उठाया गया है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक स्कूल का बच्चा जो मास्टरबेट करते हुए पकड़ा गया स्कूल पे, जिसके कारण उसको निकाल दिया जाता है स्कूल से, जिसके लिए लड़का आ जाता है डिप्रेशन में। लड़के को इन हालों में देखने के बाद बाप कर देता है स्कूल पे केस, क्योंकि बाप मानता है उनकी बेटे की इस हालत का पीछे का कारण है स्कूल का एडुकेशन सिस्टम, कि स्कूल ने कभी भी अच्छे तरीके से सेक्स एडुकेशन के ऊपर कभी भी बात नहीं की अपने स्टूडेंट से। ये तो सिर्फ मैंने छोटे तरीके से बताया है, आगे का स्टोरी आप मूवी देखने के बाद ही पूरा समझ पाओगे। अगर दोनों मूवी की कंपेयर करें तो मेरी मानिए पहले ओ माय गॉड 2 देखिए, फिर गदर 2 देखिए। गदर 2 अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, पर ओ माय गॉड 2 जरूर देखना क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है। बस ये तो था मेरा राय। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिया है तो आपको इन दोनों में से कौन सा मूवी सबसे ज्यादा पसंद आया वो जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सा मूवी सबसे ज्यादा पसंद आया। वैसे मुझे तो ओ माय गॉड 2 सबसे ज्यादा पसंद आया। अब आपका क्या राय है वो जरूर आप कमेंट करके बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, इस बार के लिए बाय बाय।